एंड दोस्तों वीडीए की तरफ से जो फिजिकल की तैयारी हो रही है ग्राउंड में, अभी रिटर्न के बाद लड़के ग्राउंड में आना शुरू कर दिए हैं। ग्राउंड की तैयारी, आज सुबह बारिश हुई थी और बारिश के मौसम में सुबह नहीं दौड़ाया गया था, अब शाम को इनको 40 मिनट का लॉन्ग रनिंग करने के लिए दिया गया है। और ये हमारे लड़के हैं जो कि आर्मी वाले हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये पहले 2-4 लड़के थे, अभी आकर पूरा भीड़ जमावड़ा जमता जा रहा है। और साथ में इसके जो लड़के रिटर्न की तैयारी करने के बाद जो इंतजार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो 30 क्वेश्चन तक जो लड़के हैं वो अपना दमखम दिखाना शुरू कर दें ग्राउंड के ऊपर स्पेशली, क्योंकि 30 वाले लड़कों को ले लिया जाएगा, रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और आगे जो नंबर उनका कम है वो अपने फिजिकल से 100, 88, 77 जो भी देना है अब यहाँ पे इफर्ट करना है। आपने रिटर्न में जो देना था वो दे दिए हो। बहुत से लड़कों का ये होता है कि रिटर्न अच्छा होता है, फिजिकल ठीक नहीं होता है, लेकिन बहुत से लड़कों का ऐसा होता है कि जो फिजिकल ठीक होता है रिटर्न ठीक नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान में देते हुए अपनी तैयारी आप लोग शुरू कीजिए, नंबर नंबर होता है। और साथ में हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं, बिहार से कुछ बातें आई थी कि सर इस एरिया में गर्ल्स का हॉस्टल नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल तो वाराणसी डिफेंस एकेडमी में है। ये जो लड़कियाँ हैं ये पूरी तैयारी करती हैं, यहाँ पर रहती हैं। ये लॉट है, वो भी लड़कियाँ पीछे आ रही हैं, उस साइड में लड़कियाँ हैं, तो यहाँ हॉस्टल के साथ हम लोग लड़कियों को रखते हैं और तैयारी कराते हैं पूरा, आर्मी का, SSC, GD का, UPP का, सभी चीज़। और बता दूँ प्रॉपर बैच भी चल रहा है। और एकेडमी देख लीजिए, ग्राउंड के जस्ट बगल में एकेडमी है जो झंडा फहरा रहा है, 200 मीटर की दूरी पे है, पूरा सुरक्षा है लड़कियों के लिए, स्पेशल सुरक्षा फौज में रहती है, इनका अलग रूम है, अलग लैट्रिन बाथरूम है, सब कुछ इनको अलग दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, जो फिजिकल के लिए परेशान है कि किस ग्राउंड में किया जाए, हमारे बहुत से पुराने लड़के हैं, बहुत से पुराने लड़के जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है कि नहीं भाई वो अपना अपना जो जितना क्वेश्चन हुआ था 30+ है तो अपना अगर तैयारी शुरू कर दें, अन्यथा बहुत कम टाइम मिलेगा। और फाइटर वही लड़के हैं जो कि पिछली बार बहुत से लड़के फेल हो गए, वो फिर इस बार 100 नंबर मार कर तैयार रहेंगे रेडी। आर्मी का जो रनिंग है वो हार्ड रहेगा, अभी भी डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आप चीज़ को ध्यान दीजिए। और आज जो हम लोग फिजिकल करा रहे हैं इसका चल रहा है, 4 मई चल रहा है, आज 4 मई का मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। कम से कम 50 लड़के हैं आज की डेट में जो कि फिजिकल कर रहे हैं, बहुत से लड़के हैं AOC के लड़के हैं जो कि एकेडमी में अभी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, अलग अलग सिक्वेंस पे अलग अलग यहाँ पे काम चल रहा है, अंग्रेजी का भी क्लास कर रहा है, AOC लड़कों का अंग्रेजी का क्लास चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो अपना मैनेज कर रखी है, अपना एजुकेशन को टॉप लेवल पे दे रही है, फिजिकल को टॉप लेवल पे दे रही है, ग्राउंड की भी पूछना नहीं है। वाराणसी डिफेंस एकेडमी का ग्राउंड ऑलरेडी आपको पता है, पूर्वांचल का लाजवाब ग्राउंड के अंदर है, और पूरा इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, बीम से लेके रस्से से लेके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर का बीम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका। तो दोस्तों ये टायर वगैरह का भी प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे हर बच्चे के लिए टायर बांध दिया गया है कि नहीं, कैसे तैयार करना है, कम है क्या है। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, वर्कआउट, प्री वर्कआउट दे रहे हैं, सारी चीज़ें लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा फिजिकल के लिए, और साथ में उन लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, 17 साल के लड़के हैं, उनका भी एडमिशन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे हो रहा है, 6 महीना 1 साल के लिए लड़के ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी अपना रिटर्न की तैयारी प्लस 1 टाइम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और आगे वीडियो में देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।